ऑलराइट, तो 90s का एरा काफी ज्यादा अमेजिंग था, ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहता था, गिन के सिर्फ 5 दोस्त होते थे और शाम को सब घर के नीचे आके चिल्लाते थे योगी, फिर हम सब क्रिकेट खेलने जाते थे जिसके रूल्स समझ नहीं आते थे, क्या मतलब वन टू वन हैंड इंटरनेशनल रूल नहीं है, फिर घर वापस आके मम्मी के हाथों की मार खाना, आई मीन स्नैक्स खाना और अपना फेवरेट टीवी शो देखना, हाँ इसके बाद होमवर्क और पढ़ाई भी करना होता था, सैड लाइफ। पर ये टीवी शोज काफी यूनिक थे हमारे लिए, इनफैक्ट इनके कॉन्सेप्ट इतने यूनिक थे हमारे लिए कि हमें इन कहानियों और कैरेक्टर्स को और एक्सप्लोर करने का मन करता था। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, सास बहु की घटिया सीरियल्स ने टीआरपी पे कब्जा मार लिया और टीवी मरने लगा, एंड इवेंचुअली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने जगह ले ली। पर एक सवाल अब उठता है कि यार इन नॉस्टैल्जिक टीवी शोज के ऊपर मूवीज बननी चाहिए यार, विद अ न्यू फ्रेश कास्ट, क्योंकि ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया पे ये मूवीज तो जरूर चलेगी। तो ये रहे वो कुछ 90s के वो स्पेशल टीवी शोज व्हिच डिजर्व्स इट्स ओन मूवी। आदिम, हर 90s का बच्चा इस शो को तो जानता है, और अगर तुम नहीं जानते तो तुम 2005 के बाद पैदा हुए हो, और जब तक तुमने होश संभाला इंस्टाग्राम आ चुका था। हातिम, जिसकी कहानी थी दो राज की, जहाँ एक राज पे अच्छाई का रक्षक हातिम पैदा होता है और दूसरी तरफ एक हरामी बच्चा इसका नाम है दज्जाल। यार अगर बच्चे का नाम दज्जाल रखोगे तो बच्चा हरामी ही पैदा होएगा। तो जहाँ हातिम एक शहजादा है और गद्दी का वारिस है, वहीं दज्जाल को एक अगली बाबा आके कहते कि अगर उसे सुल्तान, राजा, किंग, एंड्रू टेट, अल्फा मेल वगैरह वगैरह बनना है तो उसे एक शहजादी से शादी करना होगा जिसका दिल बहुत ही साफ है। तो भाई साहब एक लड़की मिली पर वो उसे रिजेक्ट कर देती, तो सर जी गुस्से में आके उसके भाई को श्राप देके पत्थर बना देते हैं। मेली को पक्का एनिमल देखा होगा। अब वेल, इस बच्चों को अगर बचाना है तो 7 सवालों के जवाब ढूंढेंगे जिससे ये बच्चा ठीक हो जाएगा, मतलब 7 महीने में बच्चा खत्म। और इसके लिए वो शहजादी जाती है हातिम के पास, जो उनकी मदद करने के लिए अपनी शादी छोड़ देते हैं क्योंकि हातिम नेकी के रक्षक है, या फिर उन्हें वो शादी करना ही नहीं था। ग्रेट एस्केप। और शुरू होता है काफी बढ़िया एडवेंचर जहाँ हातिम अपने अंग रक्षक की गुसारदा एके होबो के साथ निकल पड़ते हैं, जहाँ हातिम का रोल प्ले किया था राहिल अजाम ने, और वेल हम सब बच्चों का ड्रीम था इनके जैसे बनने का, पर हम सब डिप्रेस रह गए। क्या हुआ हम 90s किड को, जहाँ हातिम का एक ऑलरेडी मूवी एग्जिस्ट करता है 1990s की, हातिम ताई, स्टारिंग जितेंद्र और संगीता बिजलानी, और हातिम का एक डिज्नी हॉटस्टार पे शो भी है द एडवेंचर्स ऑफ हातिम, स्टारिंग राजवीर सिंह। मैं दोनों से वादा करता हूँ मैं अपना फर्ज पूरा करके लौटूंगा। ये कब आया? पर हातिम शो में सब था, एक अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, काफी एडवेंचर, कॉमेडी, काफी अच्छा लेसन, अमेजिंग कास्ट और ये अमेजिंग सा BGM। हातिम एक परफेक्ट टीवी शो है एक मूवी एडाप्टेशन के लिए, काफी अमेजिंग डायरेक्टर्स आ चुके हैं जो ऐसे अमेजिंग पीरियोडिक साइंस फिक्शन वर्ल्ड को पुल ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि एसएस राजामौली या फिर सिद्धार्थ आनंद या फिर इवन अली अब्बास जाफर, जहां आज का मॉडर्न टाइम VFX काफी इंप्रूव हो गया है, तो ये हातिम के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। और काफी सही सही एक्टर्स है इंडस्ट्री के पास जो हातिम का रोल पुल ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन, जिनकी फिजिक को देखे लोग उन्हें ऑलरेडी एक गीक ग्रीक गॉड बुलाते हैं, या फिर विद्युत जामवाल जो ट्विटर X पे नंगे थे कुछ दिन पहले, और होबो के रोल के लिए सेक्रेड गेम्स के जितेंद्र जोशी मुझे सही लग रहे हैं। तो वेल हातिम एक मूवी जरूर डिजर्व करता है जिसके दो पार्ट्स बन सकते हैं, तो वेल अगर प्रोड्यूसर्स ये बातें सुन रहे हो तो वेल पैसा ही पैसा होगा। अकड़ बकड़ बम्बे बो, स्टार प्लस में आने वाला ये सीरीज जिसके बारे में I'm pretty sure बहुत कम लोगों ने सुना होगा, पर 90s kid काफी familiar है इससे, जहाँ इस शो का प्लॉट था कि अर्नव और उसके दोस्त इंक्लूडिंग नटवर लाल अपने डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और उनकी लाइफ का वेल सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि ये सारे दोस्त मिलके भूतों से लड़ते हैं। ये टेक्निकली भूत तो नहीं होते, इन्हें हम मिस्टिकल बींग्स बोल सकते हैं, जिन्हें हराना जरूरी है वरना वेल ये सब एज यूजुअल वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन करेंगे वगैरह वगैरह। ज्यादा मोटिवेशन नहीं होता यार इन भूतों को या मिस्टिकल बींग्स को, कुछ अच्छा काम कर लो यार। तो सवाल ये कि मिस्टिकल बीइंग से लड़ने में नया क्या है? वेल नया ये है कि नटवर लाल प्रसाद यादव एक्चुअल में खुद एक भूत है, जो पहले इस गैंग से तब मिलते हैं जब वो इनकी मदद करते हैं इन्हें एक सिचुएशन से निकालने के लिए, और वेल अब ये अपने भूत वाली पावर्स यूज करते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। पर क्यों? वेल क्योंकि इन्हें स्वर्ग जाना है और अच्छे काम तो करने पड़ेंगे, इन्हें वही चाहिए, मुक्ति मोहन।
तो वेल ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग तो है और इसकी वेल मूवी तो डेफिनेटली बननी चाहिए, पर ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूज हो चुका है अगर देखा जाए तो फोन भूत में। बट वेल फोन भूत खुद एक काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, एंड व्हाट इफ अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा बन जाए विद द ट्विस्ट ऑफ कॉमेडी, और बाद में इन दोनों यूनिवर्स का कोलैब हो तो काफी मस्त होगा। नहीं सुन रहे प्रोड्यूसर्स लोग, जहाँ अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो के लीड में थे विवेक मशरू जो वेल सीआईडी में थे और वेल अपेरेंटली ये मीम भी थे, और वेल नटवर लाल के रोल में थे देवेंद्र चौधरी। वहीं जहाँ इसकी अगर मूवी बनी तो मेरे हिसाब से इसकी कास्ट में अर्नब के रोल में सबसे बेस्ट लगेंगे टीवीएफ के फेमस लव चाइल्ड जीतू भैया, और नटवर लाल के रोल में आई थिंक बद्री मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो एक मूवी डिजर्व करता है कि नहीं? वेल कॉमेंट में बता के मेरा एंगेजमेंट तुम जरूर बढ़ाना। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी जिनका दिमाग अपेरेंटली कंप्यूटर से तेज दौड़ता है या फिर था, क्योंकि वेल ये डायलॉग 1971 में लिखा गया था, और चाचा चौधरी का तेज दिमाग में अब वेल GTA Vice City भी नहीं चलेगा। ये टेक्निकल जोक था जिसे नहीं समझ में आया, आई एम सॉरी। चाचा चौधरी जिन्हें क्रिएट किया गया था 1971 के लोडपोर मैगजीन के लिए बाय प्राण कुमार शर्मा शर्मा लोग, जहाँ चाचा चौधरी एक एज इंसान थे बट इनका दिमाग बहुत तेज था और अपने दिमाग लगा के वो सारे डे टू डे चीजों को सॉल्व करते थे। बट वेल सिर्फ नॉर्मल चीजों को सॉल्व करते हुए लोग थोड़ा देखना चाहते थे, है ना? तो साथ में ये क्राइम भी सॉल्व करते थे अपने साइड किक साबू के साथ, जो अपेरेंटली एलियन होता है और वो जुपिटर से आया होता है। जुपिटर एक गैस जायंट है, वहाँ लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? एनीवे, जहाँ लोडपोर्ट की सीरीज चाचा चौधरी काफी ज्यादा ही पॉपुलर बनी और बच्चों को चाचा चौधरी के एडवेंचर्स काफी पसंद आए, इस कैरेक्टर से बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला, प्लस चाचा चौधरी फनी भी थे। मैं खुद जब बचपन में गांव ट्रैवल करता था ट्रेन से तो स्टेशन से लोडपोर्ट या फिर टिंकल मैगजीन सब लेके मैं यही खाना पड़ता था। तब टाइम कितना सिंपल होता था, अब हर बच्चे के पास एक आईपैड और फोन पकड़ा दिया गया है और नेटवर्क कहीं नहीं आता। वहीं पे 2002 में सारा वन पे एयर हुआ था चाचा चौधरी का टीवी सीरीज, और चाचा चौधरी का रोल प्ले किया था हमारे अपने रघुवीर यादव ने, जिन्हें पंचायत सीरीज में फॉर सम रीजन लॉकी फेटिश है, लॉकी। और साबू का रोल प्ले किया था लेट प्रवीण कुमार सोपती ने। वहीं पे मॉडर्न टाइम पे चाचा चौधरी जैसा नॉस्टैल्जिक कैरेक्टर काफी सही रहेगा एक मूवी एडाप्टेशन के लिए, जहाँ चाचा चौधरी एक काफी बढ़िया क्राइम कॉमेडी मूवी बन सकता है, बिकॉज व्हाई नॉट। जहाँ मूवी के एडाप्टेशन के लिए रघुवीर यादव से बेटर कोई नहीं होगा चाचा चौधरी के लिए, क्योंकि इस कैरेक्टर को और कौन ही अच्छे से जानता है, वही इंसान जिन्होंने ये रोल प्ले किया है। और वेल साबू के रोल के लिए खली कैसे रहेंगे? खली सर एक फूक मार के चाचा चौधरी मूवी बना दो यार। तुम्हारा हाथ, तो अगर प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो वेल तुम देख ही रहे हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, और मेरी आइडिया अगर पसंद आई तो प्लीज डीएम करना। तो चाचा चौधरी ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म बन सकती है, बना दो यार, लाइक हम 90s के डिजर्व करते हैं। हीरो भक्ति ही शक्ति है, बहुत इंडियन सुपर हीरोज देखे हमने, लेकिन एक ऐसा सुपर हीरो आज भी सबके दिमाग में है जिसका नाम है हीरो। काफी मेहनत किया है ना नाम में, नहीं? जहाँ हीरो भक्ति ही शक्ति है कि कहानी है कि जॉय सहगल एक स्पेशल चाइल्ड है, अपने क्लास में वो दो बार फेल हो चुका है और वेल कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता, इवन उसका अपना भाई उससे नाराज रहता है, उसके डैड उसे छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि वेल I don't know, अमेरिका है क्या? तो जॉय हेल्पलेस है, कोई भी उसे मार के चलाता है, कोई भी उसे कुछ भी बोल के चलाता है, काइंड ऑफ सिमिलर टू रोहित फ्रॉम कोई मिल गया, नहीं? पर जॉय का दिल साफ है और वो माँ दुर्गा का भक्त है, और एक दिन माँ दुर्गा से वो कहता है कि उसे वो बेहतर बना दे, और माँ दुर्गा स्वयं आके जॉय को एक अंगूठी देती है जिससे जॉय के पास पावर्स आ जाते हैं और वो बन जाता है हीरो। एक सेकंड, इसमें प्रॉब्लम्स कहां सॉल्व हुए? प्रॉब्लम्स ऐड ऑन हुए ना? और वेल हमें मिलता है ये अमेजिंग टाइटल सॉन्ग, हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। और वेल इसके दो साइड किक्स भी होते हैं ढोलू और बबली, जो एनिमे कैरेक्टर्स दिखते हैं फॉर सम रीजन, एंड ये सारे मिलके क्राइम से लड़ते हैं या फिर बोले तो मिस्टिकल बीइंग्स से, जो अपेरेंटली पहले नहीं थे, हीरो के आने के बाद ही आए। व्हाट्स गोइंग ऑन? जहाँ हीरो भक्ति ही शक्ति है काफी पॉपुलर था बच्चों के बीच और आज भी लोग हीरो के लिए नॉस्टैल्जिक है, जहाँ विद बेटर राइटिंग, गुड वीएफएक्स, एक्शन सीक्वेंस, हीरो एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बन सकता है। और वेल नॉस्टैल्जिया है इसमें तो वेल पक्का इसे थिएटर में लोग देखने तो जरूर जाएंगे। जहाँ जॉय सहगल एक स्कूल का लड़का होता है तो वेल मूवी वर्जन के किसी यंग एक्टर को कास्ट करना काफी सही रहेगा, जैसे की ईशान खत्तर या फिर आर्चीज के वेदांग रायना, जिन्हें लोग ने काफी पसंद किया या फिर डेफिनेटली मैं गाली क्यों दे रहे हो यार? तो वेल तुम्हारे हिसाब से कौन सही रहेगा जॉय के रोल के लिए? वेल मुझे ये सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस आइडिया के लिए मैं 10% फीस लूंगा। हीरो की क्या बात है, मां दुर्गा इसके साथ है।
0.1 प्लीज. ऑनरेबल मेंशन शक्तिमान. ओ बन रहा ऑलरेडी. पर क्या हुआ इस प्रोजेक्ट का, किसको पता है क्या? हमें तो नहीं पता. विकराल गबराल. तुम्हें कोई है तो याद ही होगा वही शो जिसे देखने से पहले मुंह इतना जरूरी होता था वरना पैंट ही गीली हो जाएगी गीली. कोई है इंडियन टीवी हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट हॉरर शो था, स्पेशली इसका टाइटल ट्रैक. कोई है काफी लंबा चला और उसी में इंट्रोड्यूस किया गया था गोस्ट हंटर विकराल और गबराल को, जहाँ गबराल अपेरेंटली गॉब्लिन होता है who is rich for some reason, और विकराल गबराल को हमेशा कहानी सुनाता था एक सोने के सिक्के के लिए कि कैसे वो भूतों को हरा के बोतल में कैद कर लेता था. भूत की तो कोई औकात ही नहीं थी. फिर इसे एक्सटेंड करके दोनों कैरेक्टर्स को यूज करते हुए एक गोस्ट हंटिंग एडवेंचर में कन्वर्ट किया गया जो लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, जहाँ विकराल और गबराल अलग अलग जगह जाके भूतों को रोकते थे जो काफी वायलेंट होते थे. यार सच्ची में यार भूतों के पास कुछ मोटिवेशन नहीं होता क्या? विकराल के पास कई सारे वेपन्स भी थे पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था उनका क्रॉसबो, जो मैंने अपने पापा से डिमांड किया था अपने बर्थडे पे पर मुझे बदले में क्रेयॉन्स मिला. किसमें फेंक के मारूं ये? जहाँ विकराल के रोल में थे ममिक सिंह और गबराल के रोल में थे के गोस्वामी, और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को काफी ज्यादा ही पसंद आई और 90s किड आज भी विकराल गबराल को याद रखते हैं. तो नॉस्टैल्जिया को फैक्टर में लेते हुए अगर आज इन गोस्ट हंटर्स पे मूवी बनाई जाए तो डेफिनेटली ये मूवी हिट तो रहेगी. इनफैक्ट इसका एक ट्रायलॉजी बन सकता है. प्रोड्यूसर्स टेक नोट, 0.1% फीस. जहाँ मॉडर्न टाइम में गबराल एक एक गबरू के रोल के लिए परफेक्ट रहेंगे नन अदर देन छोटे मियां एक ए अरुण कुशवा, जिन्हें हमने द स्क्रीन पत्ती या फिर टीवीएफ चैनल पे देखा ही होगा और ये परफेक्ट रहेंगे इस रोल के लिए. वही विकराल के रोल के लिए अगर कोई परफेक्ट रहेगा तो वो है योर्स ट्रूली मैं. गाली क्यों दे रहे हो यार? अर्जुन रामपाल, क्योंकि अर्जुन रामपाल में मिक्सिंग वाली चार्म और एक्शन आराम से कैरी करते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड विकराल के रोल के लिए उनसे बेहतर और कोई हो नहीं सकता. तुम्हारा क्या ख्याल है? वेल मुझे कमेंट सेक्शन में बता के मेरा एंगेजमेंट तुम जरूर बढ़ाना. तो ये थे वो कुछ इंडियन टीवी सीरीज जो 90s किड में काफी ज्यादा पॉपुलर थे एंड ये टीवी सीरीज एक मूवी तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं क्योंकि वेल आज के टाइम पे नॉस्टैल्जिया बहुत ज्यादा ही चलता है. इस लिस्ट में और कौन कौन से टीवी सीरीज होने चाहिए वेल मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मे बी इन फ्यूचर मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा एंड तुम्हारे लिस्ट को मैं जरूर डालूंगा. तुम अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में और बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल भूलना. तुम हमें हमारे सोशल हैंडल्स पर भी फॉलो सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स. हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय. वीडियो देखी ना अब